उनकी नीलाम होती जमीन के नोटिस और इनमें से एक किसान लादूराम गुजर कुमारिया का जिसने आत्महत्या की उसके परिवार की बात सुनी। मुख्यमंत्री जी को दो दिन पहले बड़ी दिक्कत हुई जब प्रतीकात्मक रूप से किसान की फोटो के साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक इश्तेहार जारी किया जिसमें कहा 19,600 किसानों की जमीन पुरक हुई नीलाम हुई। उन्होंने उन किसान से करवाया कि मेरी जमीन नीलाम नहीं हुई, प्रतीकात्मक फोटो थी। अब हमने तय किया है कि मीडिया के सामने जनता के सामने सब मालूम पड़ जाए। ये अभी जो लोग आपके सामने बोले हैं ये दो तहसील के लोग हैं। राजस्थान के अंदर जो केसीसी के आधार पर जिन राष्ट्रीयकृत बैंकों से किसान ने लोन लिया था और विधानसभा के अंदर 1 मार्च 2023 को इन्होंने कहा था कि 3,49,257 किसानों का टीआरसीपी अब याद आई है इनको। राज्यपाल के अभिभाषण में जो अधिकृत दस्तावेज है मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा ईआरसीपी 2051 तक हम पूरा करेंगे, ये मेरा नहीं, ये महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में विधानसभा में इन्होंने कहा ईआरसीपी को पूरा करने के लिए इन्होंने 2020 के बजट में 37,600 करोड़ का प्रावधान किया। जब 2020 का बजट निकले हुए आज 4 साल हो गए, जरा मुख्यमंत्री जी बताए किसने हाथ पकड़ा था। आज 19,600 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन ये बांट सकते हैं, 3,000 करोड़ रुपए के ये अन्नपूर्णा किट बांट सकते हैं, तो इनको किसने मना किया था, सरकार इनके पास थी, ईआरसीपी का प्रोजेक्ट पूरा क्यों नहीं करते। और मुख्यमंत्री जी ईआरसीपी की यात्रा निकाले तो ये भी बताएं साथ साथ में ईआरसीपी के प्रोजेक्ट को मैं किस कितने किस जिले में कितना कितना कमांड एरिया और सिंचाई के लिए खुलेगा, इस बात को भी खुलासा करें। इन सर्वदलीय बैठक के अंदर हम लोगों ने कहा था कि CWC और केंद्रीय जल संसाधन के पास जाएं और एक तकनीकी कमेटी भेजें, वो नहीं की। और हद तो तब हो गई जब केंद्रीय जल संसाधन मंत्री यहाँ आए और ईआरसी पर बैठक रखी, मुख्यमंत्री जी ने खुद ने बहिष्कार किया, अपने अधिकारियों को जाने नहीं दिया। ये राजनीतिक झुंझुना है जिसको बजाना चाहते हैं, इसलिए चाहे वो कितनी यात्रा निकाल ले मुख्यमंत्री जी की जादूगिरी अब समाप्त है। वो कहते हैं कि मेरी कुर्सी के पाए मुझे छोड़ते नहीं, अब कुर्सी के पाए तोड़ने के लिए जनता तैयार होगी। उन्होंने किसान को बर्बाद किया और जो 2051 में ईआरसीपी पूरा करेंगे वो देखिए, मैं कह रहा हूं जिनकी नेशनलाइज बैंक का 1 रुपया इस किसान ने इस सरकार ने माफ नहीं किया, शुद्ध विधानसभा में इन्होंने स्वीकार किया है। 1 जनवरी 2019 को कल्ला कमेटी बनाई, वो कहाँ चली गई, इसलिए इन्होंने 99,996 करोड़ रुपया था 31 दिसंबर 2018 को राजस्थान के कोऑपरेटिव और राष्ट्रीयकृत बैंकों का मिलाकर, उसमें से अगर 9,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया तो नाखून कटा के शहादत में नाम लिख दो मेरा, उस तरह पर काम किया इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस पूरे ऋण को वन टाइम सेटलमेंट के बाद माध्यम से केंद्र सरकार माफ करें, यानी इनको मुगालता देते रहे। इन्होंने 1 जनवरी 2019 को कल्ला कमेटी बनाई, कम वन टाइम सेटलमेंट करके राष्ट्रीयकृत बैंक, शेड्यूल बैंक, ग्रामीण बैंकों से जिन केसीसी के आधार पर किसानों ने फसली ऋण लिया है इसको माफ करेंगे। आज राजस्थान के अंदर 12,000 करोड़ से ज़्यादा ऋण जो अवधि पार ऋण है, जिसमें 1,22,000 के लगभग कुड़की के एनपीए खाते एनपीए करके नोटिस जारी हुए हैं और मुख्यमंत्री जी इश्तेहार दे रहे हैं कि उन्होंने ऋण राहत आयोग बना दिया। ये राहत किसको मिल रही है ये आपके सामने है, सिर्फ इसी बात के लिए कि एक प्रतीकात्मक फोटो और उस किसान से कहलवा दिया कि मेरे पर कोई कर्ज नहीं। ये कर्ज आज इन किसानों को तकलीफ दे रहा है। अगर आप तय में जाएंगे तो अनगिनत किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, अनगिनत किसान, और मैं दावे के साथ कहता हूं 1,27,000 किसानों के हाथ में आज नोटिस है। ये असली बानगी है जो तस्वीर हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। कांग्रेस के
करके वो किसान से बाबूराम बता रहे हैं, वो उन्होंने बुला के बताया कि वो मना कर रहा है, नहीं हुआ। वो एक किसान प्रतीकात्मक रूप से मना कर सकता है, पर ये मैंने कहा ना, खुद इन्होंने माना है, सरकार का खुद का उत्तर विधानसभा में मेरे प्रश्न के उत्तर में, मेरे तारांकित प्रश्न के उत्तर में 1 मार्च 2023 को उन्होंने खुद स्वीकार किया है। 23 नवंबर 2018 को राष्ट्रगत बैंक शेड्यूल बैंक और आरआरबी के ऋणी 3,49,257 कृषकों के एनपीए राशि 6,018,93,00,000 रुपये थी, खुद मान रहे हैं। इसलिए इसमें कोई बहस की बात ही नहीं कि किसानों को नोटिस नहीं मिले, किसानों की जमीन नीलाम नहीं हुई। अभी अभी पटवार संघ ने जो ज्ञापन दिया है सरकार को, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे 84 करोड़ रुपए जिन किसानों की जमीन हमने नीलाम की है, उसमें रोड़ा एक्ट 1974 के अनुसार 1.5% उनको कमीशन मिलता है, 84 करोड़ रुपये मिलने चाहिए, 42 करोड़ रुपये मिले हैं, शेष राशि मिली नहीं, ये बात भी सिद्ध कर रही है। इसलिए विज्ञापनों की सरकार, डिजाइन बॉक्स की सरकार, नरेश अरोड़ा के निर्देशन में चलने वाली ये फ्लॉप फिल्म किस्सा कुर्सी का, जिसका पर्दा कल परसों में गिर जाएगा, और इसके किरदार बने हुए हैं मुख्यमंत्री जी और किसानों की दुर्दशा आपके सामने। देखिए निश्चित तौर पर आज ये नोटिस है, ये नोटिस 18 किसानों से मांगे थे और ये लगभग 100 से ज्यादा नोटिस मेरे हाथ में अचानक आ गए, ऑनलाइन लोगों ने धड़ाधड़ भेज दिए। तो हम इन सारे नोटिस को किसान मोर्चा, प्रदेश किसान मोर्चा भागीरथ जी ने फैसला किया है कि संभाग स्तर पर इन सारे नोटिस को हम एकत्रित करेंगे, इनकी होलियां जलाएंगे और सरकार के असली चेहरे को सामने लाएंगे। देखिए वो तो घोषणा पत्र के संयोजक अर्जुन लाल जी मेघवाल इसमें अधिकृत रूप से कह पाएंगे, पर हम किसानों के साथ धोखा नहीं करेंगे। हम वही काम कहेंगे, वही काम करेंगे जिस काम को हम कर सकते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। निश्चित तौर पर सरकार आएगी तो इनकी जमीन को बचाने के लिए हर कदम भारतीय जनता पार्टी उठाएगी, किसानों का हित में काम करेंगे।